हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। वासुदेव घोष एक बहुत बड़े आचार्य थे हमारे, और ये चैतन्य महाप्रभु की लीला में इनका वर्णन आता है। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा भजन गाया है जो चैतन्य महाप्रभु के रूप को, उनके भाव को, उनके चरित्र को दर्शाता है। वो कौन थे ये बताता है। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवन कौरे जार चरण वंदन। जगन्नाथ भगवान रहते हैं जगन्नाथपुरी में, उनके साथ उनकी एक बहन, छोटी बहन सुभद्रा माता रहती हैं, और बड़े भाई बलराम जी जो हर साल रथ पर बैठ करके जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, और लाखों की संख्या में वहाँ लोग एकत्रित होते हैं। चार धाम है भारत में, उसमें से प्रमुख धाम है जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथ भगवान कौन है? वैसे जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत के नाथ, दुनिया के मालिक, भर्ता, कर्ता, ईश्वर, जो भी समझ लीजिए। तो पूरी सृष्टि के मालिक कृष्ण भगवान हैं, और वही जगन्नाथ रूप में प्रकट हैं। कलयुग का वो रूप है, और भगवान वहाँ पे अपने भाई और बहन के साथ विराजमान हैं। अब वासुदेव घोष कह रहे हैं जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन। वासुदेव घोष सच्चिदानंदन को जगन्नाथ भगवान कह रहे हैं। सची नाम था चैतन्य महाप्रभु के माता का, सची नंदन यानी चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम था निमाई, क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए थे। बहुत बड़े होने के बाद जब दीक्षा ग्रहण किया उन्होंने, तब उनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। उन्हें गौरांग भी कहा जाता है, गौर भी कहा जाता है। उनका रंग बहुत गोरा था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, अवतरित हुए थे। तो वासुदेव घोष इनको यानी कि सच्चिदानंदन को कह रहे हैं कि सच्चिदानंदन जगन्नाथ भगवान हैं। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन। और तीनों भुवन के लोग उनके चरण की वंदना करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे थे तो अनेकों लीलाएं उन्होंने ऐसी की जिनमें देवतागण उनके घर आते थे। जब वो बहुत छोटे थे तो उनके माता पिता देवताओं को देखते थे अपने घर के अंदर। देवता आ करके बहुत अलग अलग प्रकार की स्तुतियां करते थे और माता सुनते थे, माता और पिता, जगन्नाथ मिश्र और सची माता। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, स्वयं जगन्नाथ हैं। तो इस भजन में कह रहे हैं कि तीनों भुवन के लोग, नीचे के जो लोक हैं वो तो असुरों का लोक है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाता। ऊपर भूलोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, सत्यलोक, ये सारे लोक हैं। ऊपर में तपलोक और बीच में भूलोक है। तो ये तीनों भुवन, भूलोक पे तो हम हैं ही, पर तीनों भुवनों के लोग इनके चरण की वंदना करते हैं। और आगे क्या कहते हैं कि नीला चले शंख चक्र गदा पद्म धर, नदी या नगरे दंड कमंडलुकर। नीलाचल में ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं नीलाचल में जब रहते हैं, नीलाचल जगन्नाथपुरी का ही एक नाम है। पहले यहाँ पे नील माधव नाम से भगवान थे विराजमान, बाद में नील माधव गायब हो गए और बहुत बड़ी लीला हुई जिसमें कि भगवान प्रकट हुए लकड़ी के रूप में, और उनसे जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान का विग्रह बना के स्थापित किया गया। तो उस स्थान को नीलाचल कहा जाता है अभी भी। तो नीलाचल में जगन्नाथ भगवान शंख चक्र और गदा पद्म धारण किए हुए हैं।
जब उनका सोना वेशा होता है तो आपको दिखाई देगा कि सोने का शंख चक्र गदा पद्म उनको पहनाया जाता है। वैसे तो उनका हाथ इतना छोटा है कि इतना दर्शन नहीं होता है क्योंकि हाथ सिकुड़ा हुआ है, लेकिन जब स्पेशल लीला होती है, स्पेशल उत्सव होता है, तो उस समय उनको शंख चक्र गदा पद्म धारण कराया जाता है, बड़े बड़े बनाए जाते हैं सोने के, बना के रखे हुए हैं। तो भगवान का जो रूप है वो शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ है जगन्नाथपुरी में, और वही भगवान जब नदिया में रहते हैं तो दंड और कमंडल धारण करते हैं। निमाई जो बचपन में निमाई थे, वही दीक्षा जब लिए तो उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य हो गया, और बाद में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। 24 वर्ष के उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, और जब संन्यास ग्रहण किया तो कमंडल लिया और संन्यास वाला दंड लिया, तो इसीलिए उन्हें दंड और कमंडलू के साथ कहा जा रहा है यहाँ पे कि नदिया में वो दंड और कमंडलू धारण किए रहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि केहो बोले पूरब ए रावण बधिला गोलो केरा वैभव लीला प्रकाश को लीला। पूरब यानी यहाँ पे पूरब दिशा नहीं, पूरब यानी पूर्व काल में। कोई कोई कहते हैं कि पूर्व काल में यही थे जिन्होंने रावण का वध किया था, अर्थात रामचंद्र जी। तो कृष्ण भगवान, जो कृष्ण भगवान हैं, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो रामचंद्र जी हैं, ये सब एक ही हैं। तो पूर्व काल में त्रेता युग में ये राम थे, और राम के रूप में इन्होंने रावण का वध किया था, इसीलिए केहो बोले पूरबे रावण बधिला। और वही कृष्ण गोलोकेरा वैभव लीला प्रकाश को लीला, जो गोलोक धाम में जो उनका वैभव है, वही वैभव उन्होंने धरती पर भी प्रकाशित किया। जब वो भौम वृंदावन में लीला कर रहे थे तो उन्होंने ये सारा लीला वैभव प्रकाशित किया। 16,108 रानियां थीं उनकी, उनके लिए महल बनाया, समुद्र में जा कर के बहुत सारे बड़े बड़े महल बनाए, उनकी पूरी जो संतानें थीं वो सब इतनी संख्या में थी, हर रानी को 10-10 पुत्र, उनको फिर 10-10 पुत्र, तो इस प्रकार बहुत बड़ी संख्या थी उनके परिवार की, और सब बहुत समृद्धशाली वैभवशाली थे। तो उनका वैभव उन्होंने यहाँ प्रकाशित किया धरती पर, जब वो लीला कर रहे थे तब, जो गोलोक धाम का वैभव है वो उन्होंने यहाँ भी प्रकाशित किया। और श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर कोरिलो प्रचार। तो चैतन्य महाप्रभु बनकर वही आए, और जब चैतन्य महाप्रभु बनकर आए तो उन्होंने क्या किया, राधा रानी के भाव को ग्रहण किया। वो कृष्ण ही थे लेकिन रंग गोरा और भाव राधा रानी का, ऐसा बन करके वो आए, और हर समय वो संकीर्तन करते थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का उन्होंने पूरे देश में प्रचार किया, जगन्नाथपुरी में, वृंदावन में, और साउथ इंडिया में, समूचे देश में उन्होंने बहुत प्रचार किया हरे कृष्ण महामंत्र का, और स्वयं गाते थे और बजाते थे, और उनके साथ बहुत बड़ा भक्तों का समूह था जो मिल करके करताल मृदंग बजाते थे, और उन्होंने पूरे पृथ्वी पर ऐसा होगा ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी भी की कि मेरे नाम का प्रचार पृथ्वी ते अच्छे जोतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए वे मोरो नाम, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी भी की। और स्वयं जब वो थे यहाँ तो पूरे भारत भूमि पर उन्होंने प्रचार किया। तो वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। तो हाथ जोड़ करके वासुदेव घोष सबसे विनती कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि जो जगन्नाथ भगवान हैं, जो कृष्ण हैं, और चैतन्य महाप्रभु हैं या गौरांग महाप्रभु हैं, वो सब एक ही हैं, तीनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये है गौड़ीय वैष्णव परंपरा का सिद्धांत या
उनका समझिए आप उनकी उनका ये विश्वास है, श्रद्धा है, हम सब गौड़ीय वैष्णव हैं और हम सब चैतन्य महाप्रभु को स्वयं भगवान कृष्ण ही मानते हैं। तो यदि आप नहीं जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो आप कृपा करके ऐसा समझिए कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, और यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैंने आज ये भजन लिया, क्योंकि कई बार लोग नहीं जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, और इसके बारे में बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है, जैसे पौराणिक शास्त्र जो हैं, वैदिक शास्त्र जो हैं, अथर्ववेद में वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, और या तो कृष्ण आएंगे चैतन्य महाप्रभु बन करके। 11वें स्कंध में इनका वर्णन है। तो आप सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, और जब आपको समय मिले आप मायापुर जाकर दर्शन करिए चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु के कृपा से ही आपको कृष्ण प्राप्त होंगे, भक्ति प्राप्त होगी बहुत आसानी से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु अवतार थे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।